प्रभु येसु की स्तुति हो। प्रभु येसु को धन्यवाद। पावनात्मा की स्तुति हो। पावनात्मा को धन्यवाद। हे प्रभु येसु, संत फ्रांसिस जैसे, संत फ्रांसिस जैसे मुझे भी शांति का वाहक बना, ताकि मैं सर्वत्र शांति का वाहक बनकर आपका सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। कृपया हाथ नीचे कीजिए। माँ मरियम के बहुत ही त्यौहार हैं और कलीसिया में माँ मरियम को विभिन्न नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे खिलाड़ियों को किताब या टाइटल दिए जाते हैं, उसी प्रकार कलीसिया के इतिहास में विभिन्न संत पिताओं के जरिए माँ मरियम को विभिन्न नामों से पुकारा है। और हम लोग जानते हैं 2020 में जब कोविड के दौरान संत पिता फ्रांसिस ने माँ मरियम को एक टाइटल दिया था, जो माता मरियम के लिटनी में जोड़ा जाता है, कंफर्ट ऑफ द माइग्रेंट्स। माँ मरियम प्रवासियों की आशा है या सांत्वना है। उसी प्रकार माँ मरियम मदर ऑफ मर्सी, करुणा की माँ, जो पहले संत पिताओं ने घोषित किया था, संत पिता फ्रांसिस ने उसको याद दिलवाया। और तीसरा है मदर मेरी, मदर ऑफ होप, भरोसे की माँ है। और ये टाइटल के द्वारा हमें एक टाइटल दिया गया है, विशेषकर आज का संदेश के लिए है, माँ मरियम शांति की महारानी। शांति की महारानी वो कैसे बन जाती हैं और इसका हम लोग कैसे समझ सकते हैं, किसने ये नाम दिया है और ये हमारे क्रिस्ती जीवन में विशेषकर अब क्या प्रासंगिकता लाता है। जब जागतिक पहला युद्ध चल रहा था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, संत पिता बेनेडिक्ट 15वें ने काफ़ी कोशिश की युद्ध को रोकने के लिए। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई थी और संत पिता बेनेडिक्ट 15वें लोरेटो में जाते हैं, माँ मरियम को पुकारते हैं और माँ मरियम के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाते हुए क्रिस्ती लोगों से एक डिक्लेरेशन करते हैं कि माँ मरियम शांति की महारानी है। वो शांति की महारानी कैसे बन सकती है और हमारे लिए कैसे याद दिलाते हैं, हम किस प्रकार माँ मरियम को एक तो रानी का उपाधि और उसके बाद शांति की महारानी कैसे बता सकते हैं। इसलिए हम सभी देखते हैं इतिहास में संत पिताओं ने अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समस्या और दुख के समय माँ मरियम को पुकारा और विभिन्न नाम दिए हैं। जैसे 1954 में पोप पायस 12वें ने माँ मरियम को रानी का, स्वर्ग की रानी का उपाधि दी। उसी प्रकार संत पिता पॉल 6 ने 1964 में माँ मरियम को कलीसिया को माँ पुकारा। और संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने 2002 में माँ मरियम को पवित्र माला की महारानी पुकारा। और जब हम लोग माँ मरियम के इस विषय पर मन चिंतन करते हैं, माता मरियम शांति की महारानी है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पेंतेकोस्त के दिन की उस घटना को याद करना है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा माता मरियम और 12 शिष्यों पर उतरता है और पवित्र आत्मा के वरदानों में या फलों में पहला 3 है, प्रेम, खुशी, आनंद और शांति है। ये 3 एक दूसरे के परिपूरक हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है और जहाँ आनंद है वहाँ शांति है। और इसलिए ये तीनों को जब हम लोग देखते हैं, दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ
लविंग एक्शन एंड डेडिकेशन, क्योंकि एक फल जैसे आम मिलता है या बाजार में कोई फल करते इस प्रकार नहीं है, लेकिन हमें इन वरदानों को मिला है। ये वरदान हमारे जीवन में पेट्रोल जैसे, डीजल जैसे, इंजन जैसे बुलंद आवाज करती है, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इसलिए प्रेम क्रिस्ती जीवन की वो सक्रियता है, इज अ मूवमेंट, और इसी प्रकार खुशी आनंद जो है क्रिस्ती जीवन की वो सक्रियता और क्रियाशील बनाने का एक तरीका है, और शांति है जो हमें, जो मुक्ति और जो हमें मांगते हैं वो प्राप्ति की खुशी है। और इसलिए शांति माने यह नहीं चुपचाप बैठना, साइलेंस, शांति, शलोम, पीस, पाक्स, ये जो है एक प्रकार की शक्ति है, आंतरिक शक्ति जो हमें क्रिस्ती जीवन को आगे बढ़ने के लिए, हमारा क्रिस्ती जीवन की वो तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इसलिए संत योहान के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं ईश्वर का प्रेम का उद्घोषणा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि वह धरती को वो दोष ना लगाएं, धरती पर अपनी मुक्ति लाएं और धरती को या मानव जाति को मुक्ति प्रदान करें। वो ईश्वर की सबसे बड़ी योजना है, और उस योजना को सकारात्मक रूप देकर अपने जीवन में उतारा था माँ मरियम ने, और माँ मरियम का उस महान वरदान को ईश्वर ने प्रतिबल के रूप में उनको शांति का महारानी पुकारा है। और इसलिए संत योहान 3:15 में जो बोलते हैं उसी को संत लूकस अपने सुसमाचार में भी अलग अलग परिस्थितियों में उद्घोषित करते हैं। प्रेम खुशी जहाँ है वहाँ शांति है। जैसे 3 मंजूसी बेतलहम की ओर जाते हैं वो आनंद के साथ जाते हैं, जैसे वह गडेरिए बालक यीशु का देखते हैं वो आनंद के साथ जाते हैं। जिस प्रकार लूकस में सुसमाचार में देखते हैं ज़क्कियुस को प्रभु ने कहा पेड़ से उतरो, उतरने के बाद उसके जीवन की वो बुलंद जिज्ञासा थी वो मूवमेंट में परिवर्तित हो जाती है, और अपने घर में घर के साथ सभी लोगों को प्रभु को जगा देता है, और जिनके प्रति अन्याय किया था वो उनके लिए चौगुना लौटाता है, क्योंकि हर एक टैक्स कलेक्टर के पास एक रसीट होती है, रसीट के द्वारा उनको मालूम था उन्होंने किसको बेईमानी की है, और उन्होंने बेईमानी ज़्यादा ही की थी इसलिए वो 4 गुना लौटाता है। इसलिए शांति जहाँ है उससे पहले प्रेम और खुशी और आनंद है, वो इसलिए ईश्वर का ये सबसे बड़ा वरदान है। और इसके समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी था, वो पीछे देखने के लिए डरता था क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं था, हर एक चीज़ की याद आता था इसलिए वो पीछे नहीं देखता था। आगे देखने के लिए भी डरता था क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला वो भी डरता था। आजू बाजू में लेफ्ट राइट देखने के लिए भी डरता था क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति उनको परेशान करती थी, परिवार का, आस पड़ोस के लोग, परिवार के सभी लोगों के द्वारा, इसलिए नीचे देख के चलता है। ये दशा बहुत परिवारों में है, ये गतिविधियां हमारे जीवन में भी है, और ऐसे हमारे जीवन में होते हैं। हम पीछे देखने के डरते हैं कोई मेरा पाप का लेखा ना दे, पीछे आगे ताकने के लिए भी देखते हैं क्या मेरे पास वो ताकत है, पैसा धन दौलत है, या उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या आसपास के लोगों के साथ मैं कदम ताल कर सकता हूँ, या मेरे साथ वो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे तो मैं उनके साथ जीत सकता हूँ। इस प्रकार के दैनिक जीवन के सवाल हमें दबा लेते हैं, इसलिए हम अशांत हो जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, ईश्वर ने वरदान दिया है, बुद्धि ज्ञान दिया है, समय समय पर संस्कार और पवित्र वचन दिए हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना ही पुत्र और पुत्रियां बनाकर एक प्रकार के आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए कृपा दी है। हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, वो बाइबल के पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ से ही हम लोग देख सकते हैं। जब आदम और ईवा ईश्वर को उस आदम वाटिका वो पहचान पाए, देख पाए, लेकिन जब ईश्वर से अलग होकर अपना अहम में आ गए और ईश्वर से भी बड़ा होने लगे,
तब वो एक दूसरे को दोष देने लगे। उन्होंने मुझे ये पल दिया इसलिए मैंने कहा इसका दोष है, और यही दोष शैतान पर या शाम पर, और ये ब्लेम गेम हम भी करते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम लोग शांति नहीं पा सकते हैं। दूसरी चीज है, हम लोग देखते हैं अपने जीवन में भले खुशियाँ आनंद हमारे जीवन में भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन गुस्सा, ईर्ष्यापन, बदला लेने की आशा और दूसरों के नीचे दिखाने के तौर तरीके और दूसरे आगे बढ़ते समय मैं थोड़ा ईर्ष्या करता हूँ, ये परिस्थितियाँ में हमें नीचे गिराती हैं। और इसलिए माँ मरियम हम सबों के लिए एक मॉडल है, आदर्श माँ है, क्योंकि वो पीछे देखने के लिए भी नहीं डरती हैं, क्योंकि योकिम और अन्ना ने उनको बलि भांति मंदिर में समर्पित किया था, और थोड़ा वो जानती थी और मंदिर में रहकर वो शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन उन्होंने बिताया था। आगे देखने के लिए वो डर नहीं डरती थी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को देखा था, पिता परमेश्वर की योजना को जानती थी और आस पड़ोस के लोगों को भी वो जानती थी। इसलिए दो घटनाओं को हम लोग देख सकते हैं, संत यौहन के सुसमाचार अध्याय 2 और 2 से आगे, विशेषकर जब माँ मरियम उस परिवार की समस्याओं को जानने लगी तो अपने बेटे से कहा और किसी से नहीं कहा। भले ही बेटे ने तिरस्कार किया, मेरा समय नहीं आया, लेकिन माँ मरियम बताती हैं अपने शिष्यों को जो वो कहेंगे वही आप कीजिएगा। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं जब कोई समस्या आती है, बच्चे बोलते हैं मम्मी डोंट वरी, ये इश्यू नहीं है, या माता पिता बोलते हैं बच्चे कोई इश्यू नहीं है, हम लोग उसका सुधारेंगे। और वास्तव में काना शहर में उस महोत्सव में, विवाह के महोत्सव में, माँ मरियम उस परिवार के लोगों को सांत्वना देते और कहते हैं नो इश्यू, मेरा बेटा उपस्थित है। और इस प्रकार एक नया जीवन या परिवार में नयापन लाने के लिए माँ मरियम शांति का एक साधन बन जाती हैं। संत लूकास के सुसमाचार में हम लोग ने अभी सुना अध्याय 1 और 35 में 35 से आगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और घटना है, क्योंकि आइन करीम माता मरियम के घर से काफ़ी दूर था, जहाँ एलिजाबेथ सिबेन की वो जगह का नाम आइन करीम है। और आजकल के परिवारों में पत्नी अपनी पत्नी से बोलती है मैं मायके जाना चाहती हूँ, या कोई घर में जाना चाहता हूँ, सुबह जाके शाम को आ जाओ, 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा देने के लिए परिवार के लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन माँ मरियम को देख सकते हैं, संत योसेफ को वो बता के जाते हैं आइन करीम, और 3 महीने रह जाते हैं। उस समय के परिस्थिति में हम देख सकते हैं संत योसेफ बड़ाई का काम काफ़ी था, और वो काम छोड़कर माँ मरियम एक सेवा कार्य के लिए निकल जाती हैं। वो माँ मरियम की महानता है, क्योंकि इसलिए वन हु इज़ पीसफुल, वन हु इज़ लविंग एडमिट्स द लाइन ऑफ मोमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी या पीस, क्योंकि वो शांति जो है माँ मरियम को मिली थी, क्योंकि ईश्वर की योजना को उन्होंने पहचाना था, ईश्वर की योजना को उन्होंने अपने जीवन में बुलंद बनाया था, और वो उसके लिए एक पथ बन गया, एक रास्ता बन गया, और स्वर्ग के हम लोगों के लिए स्वर्ग की कुंजी बन गई है। इसलिए हम कभी कभी अपने ही परिधि रेखा में, अपने ही विशेष सर्कल में घूमते रहते हैं, बार बार वही गलत रास्ते को अपना लेते हैं। और तीसरा कारण हम सभी जानते हैं, जैसे आजकल के परिवारों में थोड़ी जायदाद मिलती है, थोड़ा पैसा मिल जाता है परिवार के दौरान से, उसके कारण ना कोई अपने माता पिता की सेवा के लिए तैयार है, ना दूसरों के साथ बांटने के लिए। यह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13:7-9 से देखते हैं, जब इब्राहिम और लौत के बीच में, भले इब्राहिम लौत को बताता है जो हिस्सा आपको चाहिए अब चुन लिएगा, लेकिन लौत तो थोड़ा सा स्वार्थी था, लेकिन इब्राहिम निस्वार्थ, इसलिए इब्राहिम को पेट्रियार्ख या कुल पिता कहला जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उनको और उनके पुत्र इसहाक और याकूब को चुना। और ये कारण हमारे जीवन में अशांति में हम लोग पहले जाते हैं, संचार माध्यम है, सोशल मीडिया है,
उसको इस्तेमाल करने के बदले हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए अशांति में रह जाते हैं, शांति को खो जाते हैं। ईश्वर के 10 नियमों में चौथा नियम है मां बाप का आदर सम्मान करना। दूसरों को छोड़िए, प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को प्यार कीजिएगा, लेकिन हम लोग दुश्मनों को छोड़ने के बदले माँ बाप के भी अनादर करते हैं और ईश्वर के 10 नियमों को भूल जाते हैं। इसलिए हम हमेशा अशांति का साधन बन जाते हैं, शांति फैलाने के बदले। इसलिए हमें सीखना है माँ मरियम हमें किस प्रकार शांति का वाहक बनाती है, शांति धारक बनाते हैं और क्रिस्टोफर मनाते हैं। क्रिस्टोफर माने क्रिस्त को धारण करने वाले, क्रिस्त को वाहन करने वाले। अगर हम लोग राजा क्रिस्त को राजा मानते हैं, उस राजा को जन्म देने वाले, उस राजा के मुक्ति में शामिल होने वाली माँ मरियम वो शांति की महारानी है। इसलिए संत पिता फ्रांसिस ने और अन्य पाप संत पिताओं ने हमें जो सिखा है वो अच्छा है, और इसलिए हम उसको सेवा के रूप में और विशेष सम्मान के रूप में और धन्यवाद के रूप में मान लें। हम अपने जीवन में जितने बार ईश्वर को धन्यवाद देना सीखते हैं और दूसरों को भी, वो धन्यवाद की प्रार्थना खुशी में बांध जाती है और खुशियाँ शांति लाते हैं। ये शांति का वाहक बनने के लिए या शलोम हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनने के लिए हमें महान साधन करना है, और इसलिए उसके लिए माँ मरियम से विनती करनी है और विशेषकर अपने दैनिक क्रिस्ती जीवन के दैनिक गतिविधियों में एक कदम ताल लाना है जो ईश्वर की योजना और प्रभु यीशु की मुक्ति योजना में तालमेल हो। हम अपने कदम ताल करें और पीटीए अपने कदम ताल करेंगे, बच्चे अपने कदम ताल, वो स्कूल में कोई डिसिप्लिन अनुशासन नहीं होता है। क्रिस्ती जीवन में एक डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए हमारे बुद्धि शक्ति और हमारा जीवन में एक लगाम लानी है, और वो लगाम है माला विनती और माँ मरियम की मध्यस्थता। माँ मरियम आज हम सबों के लिए एक मध्यस्थता बन जाती हैं। शी बिकम्स ए मीडिएटर, शी बिकम्स ए इंटरमीडिएट पर्सन बिटवीन अस एंड गॉड, क्योंकि उन्होंने ये कार्य बचपन से ही किया है और मंदिर में रहे, मंदिर उनका घर बना और ईश्वर के पुत्रों की माँ बनी, और इसलिए हमारे भी माता है। और इसलिए जब माँ मरियम को हम आदर्श का सर्वोत्तम माँ मानते हैं तो उनके जीवन से हम लोग सीखते हैं सबसे पहले प्रार्थना। जिस घर में प्रार्थना है वो माँ मरियम है, जिस घर में माला विनती है माँ मरियम है, और जिस घर में माँ मरियम है प्रभु येसु हैं। जिस प्रकार घर में प्रभु येसु हैं, पिता परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि पिता परमेश्वर की योजना माँ मरियम के जरिए अपने पुत्र के द्वारा हमें मिली है, और इसलिए उसको ग्रहण करना है। माँ मरियम के वो गुणगान या मैग्निफिकात उनका दिल की घोषणा है ईश्वर के प्रति। इसलिए हम लोग शांति का वाहक बनने के लिए संत असिज के संत फ्रांसिस जैसे नम्र बने, क्योंकि वो दैनिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी ऐसे संदेश वाहक नहीं बन सकता है जहाँ द्वेष है और इस प्रकार अशुद्धता है, उसमें पर रोज हमें याद दिलाना है, तभी हम लोग शांति का वाहक या संदेश वाहक बन सकते हैं। हम माँ मरियम के मध्यस्थ मांगे ताकि जिस प्रकार माँ मरियम ने अपने मरिया गान के जरिए ईश्वर को जिक्र करते हुए महान बनाया है, और जिसके जरिए वो भी महान बन गए, हम भी अपने क्रिस्ती जीवन में प्रभु की महिमा गाएं। आज विशेष रूप से प्रार्थना करें, ये 9 रोज प्रार्थना इस तीर्थ स्थान पर, इस पल्ले हमारे धन प्रांत और हमारे देश में खुशियाँ और आनंद लाएं। 9 दिन की प्रार्थना, लगातार प्रार्थना हमारे ना केवल पाप दूर जाएं, लेकिन पाप दंड से भी हमें छुटकारा मिले, ताकि माँ मरियम हमारे लिए एक शुद्ध शांति का महारानी बनते रहें। और विशेषकर जब हम माँ मरियम से अलग जाते हैं, दूर जाते हैं, प्रभु से कृपा मांगे। और विशेषकर जितने भी लोग पाप के बिस्तर में हैं या मृत्यु के बिस्तर में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि माँ मरियम हम सभी क्रिस्ती जीवन के एक उतार चढ़ाव के जीवन में मदद करती हैं, हमारे पास आते हैं। संत सिप्रियन ने कहा है माँ मरियम के बारे में, मदर मेरी इज द ट्री दैट प्रोड्यूस्ड मार्वेलस फ्रूट्स, यानी माँ मरियम को वो पवित्र
पेड़ बताया है जो पवित्र आत्मा का फल देता है और स्वर्ग में जाने के लिए हम सबों को तैयार बनाती है, और वही माँ मरियम हमको स्वर्ग का द्वार बनती हैं। उस माँ मरियम से हम लोग प्रार्थना करें ताकि हम सच्चे दिल से खुशी, आनंद और शांति का संदेशवाहक बने।